दोस्तों नमस्कार, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 28 सितंबर 2022 की टुडे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज की डेट की इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। एक एक करके पूरी अपडेट हम आपके साथ में साझा करेंगे। जैसा कि इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पीजी में नामांकन की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए यूजीसी ने निर्देश दिया है सभी विश्वविद्यालय को। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे, यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा है कि जिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट हुआ, डीम्ड विश्वविद्यालय ने पीजी स्कोर में नामांकन के लिए, देख सकते हैं, कहा जा रहा है स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए कहा जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो यह अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं पर नेक्स्ट पेपर कटिंग में भी आपको वही बातें लिखी गई है। यूजीसी ने निर्देश दिया है आसान प्रक्रिया करने के लिए, ताकि पीजी में स्टूडेंट आसानी से एडमिशन ले सके, तो यह भी अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अपडेट में आते हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने में आप लोगों ने पीजी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप किया था, जिसकी मेरिट लिस्ट आ चुका है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, पीजी रेगुलर नए कोर्स के लिए यानी 2022-24 वाले स्टूडेंटों के लिए फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आया उनकी एडमिशन की प्रोसेस के बारे में कहा जा रहा है। देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट जारी करने के साथ एडमिशन की प्रक्रियाएँ जारी करने के लिए कहा गया है। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे, करीब 12,000 पीजी सीटों के लिए फर्स्ट राउंड के तहत देख सकते हैं 9,500 स्टूडेंट को शामिल किया गया, तो यह भी अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और फर्स्ट राउंड के तहत जिनकी फर्स्ट लिस्ट में नाम आया उनकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है 1 अक्टूबर तक चलेगा। तो चलिए इसकी अपडेट हम देते हैं आपके साथ में। तो जैसा कि इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पीजी रेगुलर फर्स्ट मेरिट लिस्ट एडमिशन 2022-24 के लिए। हम आते हैं इस नोटिफिकेशन पे, तो इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पे मेंशन कर दिया गया है पीजी रेगुलर इनिशिएशन 2022-24 वाले स्टूडेंटों के लिए जिनका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आया उनके लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में नामांकन लेने वाले स्टूडेंटों को सूचना दिया जाता है कि 27 से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच में आपको ऑनलाइन नामांकन करवा लेना, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। साफ तौर पे यहाँ पे कहा जा रहा है 1 अक्टूबर तक अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेना, अन्यथा उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। वहीं पे आपको बताना चाहेंगे, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में एमए एमएससी एमकॉम के लिए जो यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है फी को बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं फी है 2560 रुपया, जो कि फॉर नन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। वहीं पर आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर में 3060 रुपया लग रहा है, वहीं पर 4060 रुपया लग रहा है ज्योग्राफी वाले स्टूडेंटों के लिए। तो यहाँ पे जो अपडेटें दी गई है आप अपने कैटेगरी से देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट लगेगा। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, एससी एसटी एंड गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कहा जा रहा है नामांकन के समय में निम्नांकित डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना जरूरी हो जाता है। सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो किए थे उसका फोटोकॉपी होना चाहिए, ऑफर लेटर होना चाहिए, ये दो चीज़ आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आप देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन फी रिसिप्ट होनी चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी को उनको फोटोकॉपी एक देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर उसका जो फोटोकॉपी है उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए और ओरिजिनल भी आपको देखा जाएगा। नेक्स्ट उसी तरीके से 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फोटो जो भी 12th का मार्कशीट है उस फोटोकॉपी पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए और ओरिजिनल भी लेके जाना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर भी आपका सिग्नेचर होना चाहिए, यानी जितना भी ये डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर रहेगा वो आपका फोटोकॉपी पे सिग्नेचर रहना चाहिए, ओरिजिनल पे नहीं कीजिएगा, इस बात का आपको ख्याल रखना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या सीएससी ओरिजिनल होनी चाहिए। नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, उस पर भी आपको सिग्नेचर कर देना, आधार कार्ड पे भी कर देना, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ का 3 फोटो आपको लगने वाला। तो यह जो अपडेट थी आप लोगों के लिए थी। अब हम नेक्स्ट अपडेट में आते हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्कूटनी 2022 के लिए कहा गया। अब हम इस नोटिफिकेशन को हम रीड कर लेते हैं। जैसा कि इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया बीएड कॉलेज के छात्रों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, बीएड फर्स्ट ईयर यानी 2022 और बीएड सेकेंड ईयर 2022 को। वैसे देख सकते हैं स्टूडेंटों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि उपयुक्त कोर्स के प्रकाशित परीक्षाफल में 1 से 5 अंक तक अपने, और देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर दिया गया 2 सब्जेक्ट में फेल या प्रमोट घोषित कर दिया गया तो अपने 1 और 2 विषय के लिए स्कूटनी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन किया 1 या 2 सब्जेक्ट में आप
फेल या प्रमोटेड हैं तो आपको स्कूटनी के लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। एक सब्जेक्ट का 200 रुपया चार्ज है, दो सब्जेक्ट का 400 रुपया चार्ज है, जो कि यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के बारे में कहा गया। इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पे बताई गई है 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आप लोगों को इसे कर लेना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंसन भी कर दिया गया है। महाविद्यालय में जाकर के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना, महाविद्यालय के पोर्टल पर यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल है PPUP online.in पे जाकर के कॉलेज लॉगिन कर करके यहाँ पे जो आपको लॉगिन आईडी दिया गया उसका उस पर करके स्कूटनी वाला फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है। तो यह जो इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी, बीएड वाले स्टूडेंटों के लिए और पीजी वाले स्टूडेंटों के लिए भी हमने जानकारियाँ दे दिया। अब नेक्स्ट अपडेट में आते हैं जो कि पटना वुमेंस कॉलेज से खबरें निकल कर आ रहा और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहे हैं अतुल्य भारत विषय पर रिटेन क्यूज का आयोजन किया जा रहा है। तो पटना वुमेंस कॉलेज के भूगोल विभाग में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया और विभाग की ओर से संचालित एड ऑन सर्टिफिकेट कोर्स ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के छात्रों के लिए यानी गर्ल्स के लिए यहां पे रिटेन क्यूज का आयोजन किया गया। तो यह जो अपडेट थी ये भी महत्वपूर्ण है और इसमें 25 देख सकते हैं कहा जा रहा 50 अंकों के 25 सवाल पूछे गए थे और 40 स्टूडेंटों ने इसमें भाग लिया। तो यह भी अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है पटना वुमेंस कॉलेज से, ये आज रिकॉल कैंपस प्लेसमेंट देख सकते हैं ड्राइव। तो यह भी खबरें महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि 28 से 29 के बीच में ये जो अपडेट थी, ठीक है। तो आप इन सभी डिटेल्सों को अपने मित्रों के साथ में साझा जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री अरविंद महिला कॉलेज से, तो यहाँ पे जो खबरें निकल के आ रहा है कैरम व चेस प्रतियोगिता के लिए 28 तक रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने चाहते हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि आप लोग 29 सितंबर को इंटर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं और प्रतियोगिता में इंटर ग्रेजुएशन व पीजी की इच्छुक स्टूडेंट यानी जो भी इंटर के हैं या फिर ग्रेजुएशन के हैं या फिर पीजी के लिए 28 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है जो प्रिंसिपल प्रोफेसर पूनम ने बताया। तो यह जो अपडेट है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।